दोस्तों नमस्कार आदाब सताल चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है इससे पहले हम आगे बढ़े मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहता हूं और मैं बहुत उत्साहित हूं आपको ये बताते हुए आप सब लोगों की डिमांड पे क्योंकि बहुत बार आपके पर्सनल कॉल्स आते थे और कमेंट्स में भी आते थे ये जानने के लिए कि डायरेक्ट सेलिंग का हिंदुस्तान में भविष्य क्या है सही कंपनी हमें किस प्रकार से चुननी चाहिए और अगर हमें कामयाबी नहीं मिल रही है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तो क्या तरीके हो सकते हैं किस तरीके से हम लोग कामयाब हो सकते हैं सो so, उन सारी चीजों को लेके हम लोग एक वेबिनार सीरीज लेके आ रहे हैं और उसका नाम हमने रखा है ए टू जेड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग की ए से लेके जेड तक जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी हम उस वेबिनार में कवर करने वाले हैं ट्वेंटी वेबिनार की ये सीरीज रहेगी और जिसको हम शुरुआत कर रहे हैं छह दिसंबर से छह दिसंबर को पहला हमारा आ, क्या बोलेंगे उसको पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा रहेगा वो रहे विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया और उसके बाद में सीक्वेंस में आगे जाएंगे जिस प्रकार पहले विजन चाहिए इंडस्ट्री को लेके क्लियरिटी चाहिए फिर कैसे कंपनी चूज करनी है फिर नेटवर्क कैसे बनाना है फिर लीडरशिप कैसे डेवलप करनी है हम हर चीज को छुएंगे चाहे वो काउंसलिंग है चाहे वो गोल सेटिंग है चाहे वो वेलकम मीटिंग है होम मीटिंग है में हम लोग लाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और आज मैं पर्सनली बहुत क्योंकि आज हमारे बीच में एक यूथ हाईकैन आ रहे हैं यंगेस्ट अचीवर ऑफ इंडिया हम सब लोग मिलकर स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान का आज हमारे मेहमान है कृष्णा अरोड़ा यंगस्ट अचीवर स्वागत है कृष्णा चैट विथ वत्स में थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच आपने मेरे को अपने शो में आने का मौका दिया मैं बहुत टाइम से आपके चैनल को देख रहा हूँ और बहुत सारे मैंने आपके वीडियोस देखे मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी पर्सन डायरेक्ट सेलिंग को एक नॉर्मल इंडस्ट्री रख के सेल्फिशनेस को साइड रख के एक पूरी इंडस्ट्री के लिए जब कोई कुछ करता है और आप वो चीज कर रहे हैं थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आई होप आपका चैनल बहुत ग्रो करे और ऐसे ही आप पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को नॉलेज देते रहो थैंक यू सो मच कृष्णा आपके आने से हमारी पूरी कम्युनिटी बहुत उत्साहित है और आपका हमने कमिंग सून का जो एपिसोड डाला था तो उसको 7000 से ज्यादा लोगों ने व्यू किया है जनरली इतना व्यूअरशिप कमिंग सून के इंटरव्यू पे नहीं आती है और आई थिंक uh, 300 से ज्यादा लोगों ने कमेंट किया है वहां पे तो कुछ लोगों के कमेंट्स में पढ़ रहा हूं कुछ तो क्वेश्चंस हैं और कितने उत्साहित है हमारी uh, हमारी जनता आपके लिए पुंक पंकित जैन लिखते हैं मच एक्साइटेड टू लिशन टू इंस्पायरेशन ऑफ मैनी ऑफ दिस सतन मंडल ने लिखा आई एम वेरी एक्साइटेड सर फॉर योर इंटरव्यू हर्षिता आर लिखते हैं आई एम सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल फॉर यू एंड दिस प्लेटफॉर्म रुतिका लिखते हैं ऑलवेज सुपर एक्साइटेड टू लिशन टू यू सर यू आर ए ड्रीम कम ट्रू टू मैनी ऑफ अस मिस्टर गूगल बोस लिखते हैं इंस्पायरेशन फॉर ऑल डिजिटल नेटवर्कर्स भारती राजपूत ने लिखा है आई एम एक्साइटेड टू मीट यू राजपूत लिखते हैं माइंड ब्लोइंग और अक्रम खान ने लिखा है बेस्ट एवर पर्सनैलिटी तो स्पेशली so आपको much. बहुत चाहता है कृष्णा बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा बहुत नहीं थोड़ा सा चाहता है थैंक यू फॉर दैट और जब आपको uh, इतने आपके प्रशंसक हैं फैन फॉलोइंग आपकी बहुत बड़ी है तो आपको ये नहीं लगता कि कम उम्र में जैसे आप बहुत यू you नो know, बड़े हो गए हैं और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास में आ गई है सर देखो अगर मेरी सक्सेस से मैं ये सोचने लग गया कम उम्र में मैं बहुत बड़ा हो गया हूं तो जैसे आपने बोला थोड़ी बहुत जो मेरी फैन फॉलोइंग है वो सब चली जाएगी क्योंकि अगर मैं इन सब चीजों को अपने सामने रखूंगा तभी मैं अपने आप को ग्रो कर पाऊंगा अगर मैं सोचूं कि मैं बहुत कुछ कर चुका हूं तो मैं कभी ग्रो नहीं कर पाऊंगा तो लिया और मैं ऐसा नहीं चाहता है इन लोगों की वजह से ही है वो सब मैं चाहता हूँ सबको मिले और सब उस चीज को लेके आगे बढ़े ग्रेट कृष्णा हम लोग आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं तो अपने बारे में थोड़ा बताइए प्रारंभिक एजुकेशन के बारे में बताइए और बहुत सारे लोग आपके बारे में जानने के उत्सुक हैं और पर्सनली मैं बहुत उत्सुक हूँ थैंक यू वेरी मच मैं बताता हूँ सर बिल्कुल बताने ही आया हूँ आज मैं आपको सब कुछ मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ दिल्ली में अभी मैं तीन सवा तीन साल पहले आई वॉज जस्ट अ स्कूल गोइंग किट मैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में था और उस टाइम पे मैं साइंस बैकग्राउंड से था मैं mains के लिए अपियर किया था मैं स्टडीज वाइज अगर बात करें बहुत वीक नहीं था सही था काफी अच्छे मार्क्स आते थे कि 90 प्लस भी आए कई सब्जेक्ट्स में marks boards में मार्क्स बोर्ड्स बट एक ही विजन था कि लाइफ में सक्सेसफुल होना है मैंने सोच रखा था बीटेक करनी है पर मैंने एक चीज रियलाइज करी जो लोग ऑलरेडी बीटेक कर चुके हैं मैंने उनको जब ऑब्जर्व करा जो लोग बीटेक करके वो चीज अचीव नहीं कर पा रहे जो मुझे चाहिए तो मेरे मेरे को को समझ आ गया बीटेक करने का कोई फायदा नहीं है मैं इस एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल बुरा नहीं बोलता एजुकेशन हमारे लिए बहुत चीज तो पर्टिकुलर एजुकेशन से नहीं मिल सकती थी वो चीज मेरे को उस पर्टिकुलर कोर्स से अगर बीटेक की बात करूं आज के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बीटेक में जाते हैं और उसी वजह से कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से या नंबर ज्यादा होने की वजह से सप्लाई कम हो चुकी है डिमांड एंड सप्लाई रूल वर्क करता है मैंने देखा है कई बीटेक वाले स्टूडेंट्स की जो जॉब लगती है वो फिफ्टीन थाउजेंड पर मंथ ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ इस हिसाब से लगती है बट जो मेरे विजन था जो मेरे ड्रीम्स थे वो उस चीज को अलाउ नहीं करते थे कि मैं बीटेक करूं और मैं अपने कजन के साथ बहुत ज्यादा रहता था वो कॉमर्स बैकग्राउंड से था तो हम दोनों का एक ही मन करता था हम सेम एज के थे हम दोनों का एक ही मन करता था यार करना तो बिजनेस ही करना है बिजनेस से ही सक्सेसफुल हो सकते हैं नॉर्मल किसी चीज में जॉब में जाके हम इतनी जल्दी अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते तो उस टाइम पे बहुत सारे बिजनेस के बारे में देखा था नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस जैसे हमारे हम बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं मेरे फादर बिल्डर हैं और मेरे भाई के फादर भी बिजनेसमैन थे तो बिजनेसमैन मैन है सारे लोग हमारे फैमिली में बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो उस टाइम पे मैंने एक चीज रियलाइज करी

नौ बजे निकलेंगे ग्यारह बजे पहुंचेंगे रात को नौ बजे वहां से निकलते हैं ग्यारह बजे घर पहुंचते हैं उन्होंने मेरे को ऐसे बड़ा होते हुए देखा है उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी को ग्रो होते हुए नहीं देखा उन्होंने मेरे को फिजिकली ग्रो होते हुए देखा है क्योंकि जब मैं सुबह स्कूल चला जाता था तब वो उठते थे जब मैं स्कूल से आके घर आके सो जाता था तब वो घर आते थे तो इंटरक्शन बहुत कम होता था और मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी सर उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी किया जितना भी पैसा कमाया वो अपनी फैमिली के लिए और हमारे लिए कमाया अपने अपने लिए या उस टाइम पे हमारा इंटरेस्ट था पेपर का बिजनेस खोलते हैं पेपर को इंपोर्ट करके काट के बेचते हैं इन्वेस्टमेंट बहुत थी पहला नेगेटिव पॉइंट इतनी कम एज में इन्वेस्टमेंट कहां से लाए दूसरी चीज अगर हम उस सेक्टर में जाते तो पूरा दिन ऑक्युपाई हो जाता और साल दो साल तीन साल चार साल पांच साल तो हमें खाली स्टेबल होने में लग जाते उस टाइम पे जैसे हमारी भूख थी कुछ ना कुछ ढूंढने की अ, मेरे भाई का नाम तरंग अरोड़ा है वी स्टार्टेड इन डायरेक्ट सेलिंग टुगेदर हमने हर चीज साथ में स्टार्ट की है हम जो हैं एक साथ है हम लोगों लोग लो हमें एक ही नाम से जानते हैं तो जब हमने स्टार्ट किया था इस इंडस्ट्री में इस इंडस्ट्री से मैं इंट्रोड्यूस कैसे हुआ मैं ये बताऊंगा आपको तरंग के नेबर थे जिनका लाइफ हमें बहुत अट्रैक्ट करता था उस लाइफ को देख के हम लोग ये सोचते थे कि ये आदमी करता क्या है उनके पास गाड़ी अच्छी उनके पास टाइम बहुत उनकी वेकेशन शिमला मनाली की नहीं होती उनकी वेकेशन यूएसए की दुबई की सिंगापुर की मतलब सारी इंटरनेशनल वेकेशन होती हैं अल्टीमेटली हमने रियलाइज किया चाहते तो हम भी यही हैं करते क्या है उस टाइम पे हमारे दिमाग में कई बार ये भी आता था ये पक्का कोई दो नंबर का काम करते हैं और लेकिन हमारे घर वालों ने एक बात सिखाई थी अगर ये कुछ गलत काम से एक करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो हमारे मतलब का नहीं है हम सही काम से एक लाख रुपए कमा के सेटिस्फाई हो जाएंगे ऐसे ये जानते जानते इस क्यूरिसिटी में हमने एक बार उनसे पूछ लिया उनका नाम मैं बताना चाहूंगा आज जो हूं मैं उनकी वजह से यू हिज नेम इज मिस्टर जाते नरोड़ा बहुत सारे लोग जो इस चैनल को देख रहे हैं वो उन्हें जानते होंगे वो भी यूट्यूब पे है वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में काफी नॉलेज देते हैं तो मैं जब उनके बारे में जान रहा था मैंने उनसे डायरेक्टली पूछा सर आप करते क्या हो तरंग और मैं उनके पास गए हमने उनसे पूछा सर आप करते क्या हो ऐसा क्या करते हो जिससे आप इतना अच्छा लाइफ भी इंजॉय कर रहे हो और इतनी अच्छी इनकम भी इंजॉय कर रहे हो उन्होंने हमें ब्यूटीफुल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस किया उस टाइम पे मेरे को एबीसीडी नहीं पता थी डायरेक्ट सेलिंग की मेरे को ये भी नहीं पता था ये क्या होता है जैसे आज के टाइम पे तो लोग बहुत अवेयर है किसी को सामने अगर हम रखें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोग सीधा बोलते हैं वो बंदे जोड़ने वाला काम हमें उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि ये बंदे जोड़ने वाला काम क्या होता है हम एक सेशन में गए एक सेमिनार्स होते हैं जैसे आपको पता है इस इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री के सेमिनार में गया मैंने सेमिनार अटेंड किया मेरे को काफी चीजें क्लियर हुई तो काफी चीजें क्लियर होने के बाद मेरे को दिमाग में एक चीज आई कि अगर सामने खड़े होके कोई बोल रहा है अपनी जर्नी बता रहा है लोग उस जर्नी को सुन रहे हैं तो उस आदमी ने जरूर कुछ किया है इसलिए लोग बैठ के उसको सुन रहे हैं मेरे को नहीं पता ये इंडस्ट्री सही है या गलत है उस टाइम की अगर मैं बात करूं आई वॉज नॉट अवेयर कि ये चीज सही है या गलत है बट मेरे को एक चीज पता था ही। जिस आदमी को मैं सुन रहा हूं ना वो सही है लाइफ में हर साल हर टाइम आज अगर कोई बीस साल की ऑडियंस या पच्चीस साल का कोई पर्सन हमारी इंटरव्यू को देख रहा है पच्चीस साल तक उसने किसी ना किसी को सुना ही है स्कूल में हम अपने टीचर्स को सुनते हैं कॉलेजेस में हम टीचर्स को सुनते हैं हम लाइफ में अपने पेरेंट्स को यूट्यूब पे कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स कई सारे कोचेज को हम सुनते हैं तो जब हम इन सबको सुनते हैं तो हमें एक पता होता है कि उस पर्सन ने कुछ किया इसलिए हम उसे सुन रहे हम ऐसा तो है नहीं किसी भी पर्सन को सुनने लग जाते हैं किसी किसी ना किसी पर्टिकुलर वैल्यूएबल जैसे आज आपके चैनल पे बहुत सारी ऑडियंस आपको देख रही है रीजन आप उनके लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो इसलिए वो आपको देख रही है मेरे दिमाग में भी यही आया इन्होंने जरूर कुछ किया है इसलिए इतने सारे लोग बैठ के इनको सुन रहे हैं मेरा एक ही मोटिव बना उस टाइम पे कि मेरे को ये जानना है इन्होंने किया तो किया क्या मैंने उस टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट किया जैसे आप सब जानते हो जब भी कोई पर्सन इस इंडस्ट्री में आता है उसको दो तीन बुक्स रेफर करी जाती है डैड डैड पुअर रेफर करी जाती है एक ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी बिजनेस रेफर करी जाती है एक सीक्रेट बुक है वो रेफर करी जाती है और मेरे को एक चीज रियलाइज हुई ये सीक्रेट बुक तो मैंने पढ़ी हुई है मतलब ये जो भी चीज हमें बता रहे हैं इस इंडस्ट्री में वो चीज ऑलरेडी लोग उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं सीक्रेट बुक को इतने बड़े बड़े ऑथर्स ने लिखा उसको इतना बड़ा टाइटल मिला अगर इन सब चीजों के बारे में ये बता रहे हैं तो जरूर यहाँ पे इस इंडस्ट्री में दम है उस टाइम पे मैंने उस इंडस्ट्री को इस इंडस्ट्री को समझना स्टार्ट किया सवा तीन साल पहले की बात है जब मैंने इस इंडस्ट्री को समझा लगभग मैं अठारह साल का हुआ ही था तब जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था क्योंकि ट्वेल्थ कंप्लीट हुई थी मैंने इस इंडस्ट्री को समझा मैंने ज्यादा डिले नहीं किया मैंने सीधा घर जाके बताया मैं पापा को गया पापा को बताया पापा मैं नेटवर्क मार्केटिंग समझ के आया हूँ बहुत पैसा आएगा बहुत अच्छी इंडस्ट्री है मेरे पापा ने कहा नहीं आएगा मैंने कहा पापा पक्का आएगा कहते बेटा नहीं आएगा इस इंडस्ट्री में बहुत फ्रॉड होते हैं मेरे भी टाइम पे एक कंपनी आई थी पैसा लगवा के भाग गई मैंने कहा पापा पैसे नहीं लगाने होते इस इंडस्ट्री में लोगों की गलत है पैसे लगाने होते हैं इस इंडस्ट्री में परचेज सिस्टम वर्क करता है कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आप मेरे को बिना कुछ दो कोई पैसे मत दो मैं आपको पैसा कमा के दिखाऊंगा उन्होंने बोला चल हो सकता है फिर आ जाए मतलब उनका डाउट ये नहीं था कि ये इंडस्ट्री बेकार है उनका डाउट ये था कि इस इंडस्ट्री में लोग पैसे लगवा लेते हैं जो सिस्टम पैसे लगवाने का बेकार है क्यों क्योंकि उन्होंने जिस कंपनी के बारे में समझा था अपने टाइम पे उस कंपनी में कुछ जरूर मनी रोटेशन या कुछ इन्वेस्टमेंट या कोई वो स्कीम और स्कैम टाइप कंपनी रही होगी क्योंकि वो कंपनी उसी टाइम में एक साल के दौरान में भाग गई थी तो हमें मेरे को ये चीज समझ आई कि पापा के एक्सपीरियंस से अगर मैं इस इंडस्ट्री में आता हूं तो जो पापा का एक्सपीरियंस है उससे मैं गलती ना कर बैठू कोई तो मेरे को जानना चाहिए इस इंडस्ट्री के बारे में कि क्या ये इंडस्ट्री एक्चुअल में सही है या मेरे को एक दिन की मोटिवेशन मिली है बस मैंने इस इंडस्ट्री पे नॉलेज लेना स्टार्ट किया काफी कुछ जाना मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में मैंने ये जाना कंपनी अच्छी कैसे चूज करें कई लोगों का ये क्वेश्चन होगा जरूर आज आपके इंटरव्यू में मैंने ये जाना प्रोडक्ट सही है या नहीं ये कैसे जाने बट मेरे को एक चीज रियलाइज हो गई कंपनी अच्छी देखनी है प्रोडक्ट अच्छा देखना है प्लान अच्छा देखना है उससे भी ज्यादा जरूरी है आपके आसपास लोग कैसे हैं वो अच्छे देखने हैं अगर आपके आसपास के लोगों का खाली माइंडसेट पैसे के पीछे भाग रहा है ना कि हमें पैसा कमाना है पैसा कमाना है तो आप जरूर गिरोगे एक ना एक दिन बट अगर आपके आसपास के लोगों का माइंडसेट एक नॉलेज के पीछे एक एजुकेशन के पीछे एक ट्रेनिंग के पीछे भाग रहा है तो आप हंड्रेड उस प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल हो एक बहुत बड़े लीडर की मैंने वीडियो देखी उन्होंने बोला वो ऑलरेडी सक्सेसफुल थे वो ऑलरेडी बिलेनियर थे वो यूट्यूबर हैं बहुत बड़े मैंने उस वीडियो में देखा उन्होंने बोला मैं अपने बच्चे को नेटवर्क मार्केटिंग कराऊंगा उन्होंने रीजन दिया उसमें कि इस इंडस्ट्री में पर्सनैलिटी ग्रोथ बहुत होती है और उस टाइम पे मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं पर्सनैलिटी वाइज ग्रो करूं उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया जैसे कि जब स्टार्ट करते हैं मैंने इस इंडस्ट्री को समझ के स्टार्ट किया आपको मैं बताऊंगा सर मेरा पहला चेक जो आया था जो मेरा पहले मंथ का पे आउट था वो मात्र फिफ्टी सेवन हंड्रेड रुपीज का था जब मैं सत्तावन सौ रुपए का चेक लेके अपने घर पे गया मेरे फादर ने मेरे को एक बात बोली कि बेटा इतने पैसे तो मैं अपनी दुकान पे लड़के को भी दे देता हूँ अपनी कमाई कुछ लाई है घर में पहली बार मेरी फर्स्ट इनकम में अपने मेहनत से कुछ करके आया हूँ जरूरी इनकम बढ़ेगी भी और इस इंडस्ट्री में मेरे को पता था कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है अगर पहले महीने में सत्तावन सौ आया है तो हो सकता है एक साल बाद वो पांच लाख रुपए भी बन जाए या एक लाख रुपए भी बन जाए या सत्तावन हजार रुपए भी बन जाए बट नॉर्मल बिजनेसेस में ये नहीं होता नॉर्मल जॉब सेक्टर में भी अगर हम साल की ग्रोथ देखें तो वो पांच परसेंट होती है और मैंने यही चीज सोच के स्टार्ट करी और मैं बहुत बहुत खुश महसूस करता हूं ये बताते हुए कि हमारे मैं जिस कंपनी का पार्ट हूं उस कंपनी में एक सीनियर मोस्ट लेवल होता है जैसे हर कंपनी में लेवल होता है उस कंपनी में एक लेवल होता है जिस लेवल को ड्रीम लेवल कहा जाता है जैसे लोग कई लोग डायमंड लेवल कहते हैं हमारी कंपनी में वो मैनेजर लेवल होता है और जो मेरा सत्तावन सौ रुपए का चेक था मैं छह महीने में इस इंडस्ट्री में मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया अपनी कंपनी में छह महीने में, में, में मेरे को टाइटल भी दिया गया कई लोगों ने मेरे को बोला फास्टेस्ट और यंगेस्ट मैनेजर हो आप इंडिया में और मैं उसको टाइटल को अचीव किया और मेरी छह महीने में सर मैं आपको बताऊंगा हो सकता है हाँ, आपको भी विश्वास ना हो मेरी में बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये तो झूठ बोल रहे हैं इसलिए सर मैं आज के टाइम पे ना अपनी इनकम जो मेरी आज करंट इनकम है वो बताते हुए डरता हूँ क्यों क्योंकि लोगों को एक एक लाख रुपए की इनकम पे विश्वास नहीं होता तो अगर आज के टाइम की मेरी इनकम लोग जानेंगे तो मैं हंड्रेड परसेंट जानता हूँ लोगों को विश्वास नहीं होगा जो नेटवर्क मार्केटिंग में कमिटेड है वो तो मान लेगा पर जो नेटवर्क मार्केटिंग में कमिटेड नहीं है ना वो ये सोचेगा इतना पैसा आ ही नहीं सकता ये सब झूठ बोल रहे हैं यही छोटी सी मेरी जर्नी रही बाकी अप्स एंड डाउन हर जर्नी में होते हैं मेरी जर्नी में भी थे बहुत बारी मेरे को भी चैलेंजेस आए वो मैं चाहूंगा कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे मैं उनमें उन, उन चैलेंजेस के बारे में डिस्क्लोज करूं यही छोटी सी जर्नी रही सवा तीन साल की जर्नी रही आज इंडिया में लगभग सर मैं बात करूं तो सात से आठ हजार लोगों का नेटवर्क है इंटरनेशनली मेरे को तेरह कंट्रीज से इनकम आ चुकी है मैं तेरह कंट्रीज में अपना बिजनेस एक्सपैंड कर चुका हूँ और काफी कुछ अचीव किया है जिस कंपनी में मैं बिलोंग करता हूँ लास्ट पांच छह महीने से मैं उस कंपनी में मंथली टर्न में नंबर वन पे चल रहा हूँ नंबर वन पे मेरे को बहुत प्राउड फील होता है ये बताते हुए और इंडिया में एक एक सीनियर मोस्ट लेवल है जिस लेवल पे बहुत कम लोग हैं मैंने उस लेवल को इंटरनेशनली सबसे यंगेस्ट टाइटल मिला मेरे को उस लेवल को क्वालिफाई किया मैंने इंटरनेशनली मेरे को एज अ यंगेस्ट अचीवर जैसे आपने इतना प्यारा नाम दिया मेरे को यंगेस्ट अचीवर मेरे को इंटरनेशनली मैं जिस प्लेटफॉर्म से बिलोंग करता हूँ उस प्लेटफॉर्म में एज अ यंगेस्ट अचीवर लोग काफी अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं आज जो भी है मेहनत है वो रंग ला रही है और मेरे को ये विश्वास हो चुका है कि ये इंडस्ट्री इतनी ब्यूटीफुल है और अगर इस इंडस्ट्री में एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जब इस इंडस्ट्री में हर कोई लाखों रुपए कमा रहा होगा हर कोई अपनी ड्रीम लाइफ इजीली एंजॉय कर रहा होगा थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू सो मच कृष्णा जी आपने बहुत अच्छे से अपनी जर्नी के बारे में बताया और उसमें सब कुछ आपने कवर कर लिया है और आ, मैं पसनी बहुत बेकरारी से उसको सुन रहा था और बहुत इंस्पायरिंग है कृष्णा जी आपकी ये जो जर्नी है और देखिए आपकी इनकम को देख के आपकी गाड़ी को देख के आपके लाइफ को देख के आज बहुत सारा यूथ डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहता है लेकिन सबको वैसी सफलता नहीं मिलती जैसी कृष्णा अरोड़ा को मिली है तो जो भी, भी यूथ स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में आ रहा है और वो आपकी तरह बनना चाहता है बहुत सारे व्यूअर ने ये क्वेश्चन किया है कि आई वॉन्ट टू बिकम सेकेंड कृष्णा अरोड़ा तो अगर वो आप जैसा अचीवमेंट चाहते हैं इतनी जल्दी चाहते हैं इक्कीस साल की उम्र में ये लाखों रुपए महीना की इनकम और इतने सारे टाइटल चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा सर पहले तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा उन व्यूअर्स को एक चीज बोलना चाहूंगा कि आपने सेकंड कृष्णा अरोड़ा नहीं बनना व्हाट एवर योर नेम इज आपका जो भी नाम है आप ये लेके चलो कि मेरे को कृष्णा अरोड़ा से भी आगे जाना है हमें अपनी इंस्पिरेशन को कॉम्पिटिशन मानना चाहिए मेरा ये मानना है जिससे भी आप इंस्पायर होते हो आप उसको कॉम्पिटिशन मानो ईगो नहीं लानी बीच में नीचा नहीं दिखाना अपने इंस्पिरेशन को बट हाँ आप मेरे को ये बोल सकते हो आप मेरे को ओपन चैलेंज दोगे ना सर मैं आपसे आगे निकलना चाहता हूं अगर मेरे को आज इस वीडियो पे ये कमेंट दिखेंगे ना कि सर मैं आज कृष्णा अरोड़ा से आगे निकलने का चैलेंज ले चुका हूं और मैं बहुत जल्दी कृष्णा अरोड़ा से आगे बढ़ के दिखाऊंगा तो आई विल बी दैप्पीएस्ट पर्सन की मेरी वजह से किसी को मैं इंस्पायर कर पाया अपने से बेहतर बनने के लिए मैं आपको इस चीज का आंसर जरूर दूंगा कि आप मेरे से बेहतर कैसे बन सकते हैं किसी भी पर्सन से आपने बेहतर बनना है ना तो आपने उसकी एक्टिविटीज को देखना है ही इज डूइंग आपने एक एक तो मैं चीज बोलता हूं, लोग मेरे मेरे को को हमेशा देख के मेरे को ये देखते हैं छह महीने में मैंने एक लाख रुपए की इनकम इनकम करी मैं सेवन फिगर पे पहुंच गया तीन साल में लोग ये चीज देखते हैं बट लोग ये चीज नहीं समझते कि सबकी जर्नी डिफरेंट होती है आपने ये नहीं देखना कि आपने छ महीने में ही एक लाख रुपए की इनकम क्वालिफाई करनी है आपने ये देखना है कि मेरे को भी जरूर आने वाले कुछ महीनों में साल में एक लाख रुपए की इनकम क्वालिफाई करनी है पांच लाख रुपए की या जो भी आपका टारगेट है जो भी आप इनकम क्वालिफाई करना चाहते हो उस चीज के लिए मैं एक ही हमेशा बात बोलता हूं अगर आपने अपना टारगेट अपनी आंखों के सामने रख रखा है अगर तो आपको पता है कि आपने करना क्या है और आप उस टारगेट पे कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहे हो आप पक्का उस टारगेट को अचीव करोगे आप आज ये मत सोचो कि आपने कृष्णा रोड़ा से आगे निकलना है आप आज ये सोचो कि आपकी कंपनी में जो भी सीनियर मोस्ट लेवल है आपने उस पे आना है तो जब आप उस पर आओगे तब तो आप सोचो कि अब मेरे को इस कंपनी का टॉप लीडर बनना है जब आप उस कंपनी के टॉप लीडर बन जाओगे तब आप सोचो अब मेरे को इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक नाम बनाना है मेरे को ऐसा कुछ करना है जिसमें मेरा नाम इस इंडस्ट्री में हो सके जिस दिन आपका नाम इस इंडस्ट्री में लोगों को पता लगेगा ना उस दिन आप कृष्णा अरोड़ा से बेहतर बन चुके होगे क्योंकि हर कोई अपनी इंडस्ट्री में अपनी कंपनी में बेस्ट होता है पर हर कोई दुनिया की नजरों में बेस्ट नहीं बन पाता अगर वो खाली अपने लिए काम कर रहा है तो जैसे सर मैं अपना वीक पॉइंट बताता हूं मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं कर रहा आज के टाइम पे जिसमें मैं पब्लिक को या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को एक यूनाइट करके कुछ सिखा रहा हूं बट आप वो काम कर रहे हो इसलिए मेरे से ज्यादा लोग आपको जानते हैं मुझे मेरी कंपनी के लोग जानते होंगे जो यूथ है जो मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं दूसरी कंपनी के वो जानते होंगे बस बट आपको यूट्यूब के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जानती है क्योंकि आपने अपना नाम बनाया आप मैं जानता हूं आपने कभी यह नहीं सोचा होगा कि मेरे को कृष्णा अरोड़ा बनना है या मेरे को कोई बहुत बड़ा लीडर जिसको भी आप जिससे भी आप इंस्पायर होते हो आपने चैट सुरेंद्र वत्स क्यों बनाया क्योंकि आपने सुरेंद्र वत्स बनना था जो भी व्यूअर का ये क्वेश्चन है मैं यही चाहूंगा कि आप अपने नाम का टाइटल लो और कुछ भी ऐसा काम करने की सोचो जिससे आप अपना नाम आगे बढ़ा सको और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं सर कंसिस्टेंसी इज द की वट एवर यू आर डूंग्रो जैसे आपने मेरे को एक चीज बताई मेरे को जान के बहुत अच्छा लगा कि आपका ये शो जब एवरी ट्यूजडे आप यूट्यूब पे लाए हो। आप कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आपका वो ट्यूजडे को एपिसोड लॉन्च ना हुआ हो हमेशा आपका एपिसोड ट्यूजडे को आया है क्यों इसलिए आपका चैनल सक्सेसफुल है आज क्योंकि आप कंसिस्टेंट हो

और कंसिस्टेंट हूं तो मैं एफर्ट डाल रहा हूं तो मेरा पक्का टारगेट पूरा होगा ही होगा आप भी कंसिस्टेंट रहोगे एफर्ट डालोगे तो आपका पक्का टारगेट पूरा होगा ही होगा दैट्स ग्रेट वंडरफुल कृष्णा जी और बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं तो उनमें से कुछ प्रश्न मैं कवर करता हूं और ये वाला जो प्रश्न था ये अमित कुमार का था हाउ आई कैन बिकम सेकंड कृष्णा अरोड़ा और आपने बखूबी उसका जवाब दिया और जो एक आपने एक अच्छी चीज मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी वो ये कि आप अपने इंस्पायरेशन को अपना कॉम्पिटेटर बना लो और मेरा अपना पर्सनली ये मानना रहा है कि कंपटीशन जब होता है ना एक हेल्थी कंपटीशन आप करते हैं तो आपके अंदर का जो बेस्ट है वो बाहर आके निकलता है और स्कूलों में कॉलेज में हमें ये बखूबी सिखाया जाता है कंपटीशन करवाया जाता है चाहे वो गेम्स के माध्यम से हो या हमारी जो एकेडमिक एजुकेशन है उसके माध्यम से हो और अगर हम लोग डायरेक्ट सेल में इस चीज को अपना लें हम अपना कंपिटेटर चूज करें और उसको अगर हम लोग उस कंपिटेटर से इंस्पायर हो तो वंडरफुल मोहम्मद अली का प्रश्न है आप कैसे काम करते हैं इतने कम समय में इतना कुछ हासिल कर लिया सर देखो जो भी जो भी इस इंडस्ट्री में आता है ना वो इस इंडस्ट्री में आते टाइम तो सेम तरीके से काम करता है जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था मेरे को याद है हमारा मेन काम होता है प्रोस्पेक्टिंग करना रिक्रूटमेंट करना मैं अपने दोस्तों को बताता उससे पहले मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया था और आपको पता है जिस एज में मैं इस इंडस्ट्री में आया मैं अट्ठारह साल का था बस और अट्ठारह साल के बच्चे को, को कोई क्या ही समझेगा लोग यही सोचते थे ये छोटा सा बच्चा है अभी भटका हुआ है अभी थोड़ा टाइम बाद राह पे आ जाएगा थोड़ा टाइम बाद अपने आप वापस आ जाएगा कि ये सब बेकार था मैंने गलती कर दी बट मैंने ये चीज सोची जो मेरे दोस्त नहीं समझ पा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है हम नॉर्मली मार्केट में उतर के लोगों को समझाएंगे उस टाइम पे मेरे को सोशल मीडिया की बहुत ज्यादा पावर नहीं पता थी मैं आपको बताऊं लोग आज मेरी जर्नी से इंस्पायर होते हैं लोग आज देखते हैं कि आज ये इतने सक्सेसफुल है बट लोगों ने मेरा स्ट्रगल ना देखा नहीं है क्योंकि मैंने अपना स्ट्रगल कभी पर्टिकुलरली सामने आके दिखाया नहीं है मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था सर मेरे को आज भी याद है मैं और मेरा भाई हम दो लोग और एक और मेरा भाई है रोहित आप हो सकता है जानते हो हम तीन लोग क्या करते थे हम मेट्रोज में ट्रेवल करते थे प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए हम दो बजे अपने घर के पास एक मेट्रो स्टेशन है वहां पे मिलते थे और जब उस मेट्रो स्टेशन पे मिलते थे एक पर्सन गुड़गांव की तरफ निकलता था एक पर्सन द्वारका की तरफ एक पर्सन नोएडा की तरफ और हम लोग क्या करते थे चार चार पांच पांच बजे तक खाली लोगों से बात करके सामने आने की कोशिश करते थे लोगों को बात करने की कोशिश करते थे वो दिन मैं आज भी नहीं भूलता मैं आ, अपनी हर स्टोरी में बताता हूँ जिस भी मेट्रो स्टेशन पर रुकता था कई बार ऐसा हुआ है मैं मेट्रो में किसी से बात कर मैं, मैं थाजी हूँ दिखाता था तो मैं हमेशा कई बार ही मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं मेट्रो से मेरे को जाना होता था शादीपुर तो मैं करोलबाग ही उतर जाता था और करोलबाग उतर के मैं देख रहा हूँ अगली मेट्रो तेरह मिनट बाद आ रही है तो तेरह मिनट मेरे वेस्ट हो जाएंगे मैं नेक्स्ट कोच में सेम मेट्रो में चढ़ जाता था मतलब मैं उस पर्सन को अर्जेंसी दिखाने के लिए अपने आप को आगे से पीछे लेके आता था ताकि मैं आगे और लोगों से बात कर सकूं और मैं सर बात करूं आज के टाइम पे हम जो भी कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं मैंने तो मेरे को सोशल मीडिया यूज करते हुए तो बहुत साल हो गए हम सब स्कूल टाइम से सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं बट मैंने जब अपने आप की फोटोज को सोशल मीडिया पर डालना स्टार्ट किया जब मैं इस इंडस्ट्री में आया मैं मीटिंग कर रहा हूँ मैंने एक बारी मीटिंग की फोटो सोशल मीडिया पर डाली तो मेरे को ये रियलाइज हुआ मेरे मैनेजर बनने से पहले की बात है थर्ड फोर्थ मंथ की बात है लोगों को ना दिखने लगा कि ये कुछ कर रहा है मैं ड्रेस मैं फॉर्मली जहां निकर टी शर्ट में घूमता था आज मैं सूट में बैठ के किसी को मीटिंग दे रहा हूं या शर्ट ट्राउजर में बैठ के उस टाइम पे किसी को मीटिंग दे रहा हूँ तो लोगों को दिखता है और हमारी इंडस्ट्री में ये बात कही जाती है जो दिखता है वो बिकता है हम मैंने उस चीज को इम्प्लीमेंट किया मैंने लोगों को अपनी डेली एक्टिविटीज को दिखाना स्टार्ट किया एक चीज सर मेरे को बहुत बुरी लगती है लोग क्या करते हैं जब इस इंडस्ट्री में आते हैं ना लोग बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट करना कोशिश करते हैं अपना एग्जैक्ट लाइफ नहीं दिखाते वो शो ऑफ में आ जाते हैं अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करते हैं आज अगर मेरा लाइफ स्टाइल पांच लाख दस लाख कमाने की इनकम दस लाख रुपए की इनकम जितना है तो वो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल से या मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल से अपने आप दिखेगा मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन जब मैं उस टाइम पे था तो मैं उस टाइम के हिसाब से ही अपना लाइफ दिखा सकता हूं अगर मैं उस टाइम पे मैं कमा रहा हूं दस हजार रुपए और मैं कोट पेंट पहन के फोटो डाल रहा हूं और मैं कोट पेंट पहन के ये दिखा रहा हूँ कि मैं तो बहुत बड़ा बिजनेस बन गया हूं तो लोग नेगेटिव लेंगे बट अगर मैं दस हजार कमा रहा हूं और मैं लोगों को अपना हार्डवर्क दिखा रहा हूं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ चाहे मैं शर्ट और पेंट में मेहनत कर रहा हूँ मैं कैफे कॉफी डे बैठ के मीटिंग दे रहा हूँ चाहे मैं रोड पे खड़े होकर लोगों को प्रोस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं अगर वो चीज भी दिखाऊंगा किसी को तो लोग अट्रैक्ट होंगे इसलिए मैं आज आप सब जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा अपने आप को सोशल मीडिया पे एग्जैक्ट पर करो जैसे आप हो वैसे ही अपने आप को सोशल मीडिया पे दिखाओ अगर आप अपने घर पे लैपटॉप पे बैठ के मीटिंग दे रहे हो ना तो उसी लैपटॉप को उसी मीटिंग के एरिया को दुनिया को दिखाओ ताकि लोगों को पता लगे ये सोशल मीडिया है ना सर एक सर्च इंजन है और ये एक फ्यूचर लेगेसी है आज आप इतना अच्छा काम कर रहे हो आज आप इतने सारे एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हो फॉर एन एग्जाम्पल आपने एक साल पहले कोई वीडियो बनाई और आपके बेटे या आपकी फैमिली आज से 20 साल बाद या आपका कोई ग्रैंड सन आज से 30 साल बाद वो वीडियो देखता है तो वो कितना प्राउड फील करेगा कि मेरे दादाजी उस टाइम पे ऐसे थे और आज वो ऐसे हैं और आज मैं जो हूं उनकी वजह से बट अगर आप उसे 30 साल पहले ही झूठ दिखा रहे थे और उसको पता है कि आज भी वो सिनेरियो नहीं है जो दादाजी तीस साल पहले दिखा रहे थे तो वो चीज कितना नेगेटिविटी क्रिएट करेगी मैं यही चीज कहूंगा सबको अपने आप को एग्जैक्ट सोशल मीडिया पे परसौना करो अपने आप को एग्जैक्ट डिलीवर करो जैसे आप हो वैसा दिखाना स्टार्ट करो घबराओ मत अगर आप अपने आप को बोलते हो एक वीडियो बना के भी डाल दोगे ना दैट इज अनाफ आज के टाइम पे लोगों को एक अच्छी नॉलेज पसंद है मेरे बिजनेस का सबसे बढ़िया रिजल्ट ही सोशल मीडिया आया है मैं एग्री करता हूँ इस बात से मैंने जितना बिजनेस बिल्ड किया है सर सारा सोशल मीडिया के थ्रू किया है रीजन बींग दैट सोशल मीडिया पे हम अनोन लोगों से काफी इजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर हम अनोन लोगों से इजिली कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और वो सोशल मीडिया पे एक चीज वर्क करेगी बस दैट इज अट्रैक्शन मार्केटिंग अगर जिस पर्सन को आपका सोशल मीडिया अकाउंट दिख रहा है वो आपके थ्रू अट्रैक्ट हो रहा है वो आपके लिए अट्रैक्ट हो रहा है तो वो आपसे कोऑर्डिनेट करेगा ही करेगा अगर आपसे वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा तो वो आपसे कोऑर्डिनेट नहीं करेगा इसलिए आपने, अपने पे करो, अपने करो, और आप सब भी अपने बिजनेस में ग्रोथ हंड्रेड परसेंट देखोगे हंड्रेड दैट्स ग्रेट कृष्णा आपने ये बहुत अच्छी बात कही एक्चुअली बहुत सारे जो डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स हैं वो अपना लाइफ स्टाइल नहीं दिखाते अपना झूठा लाइफ स्टाइल दिखाने की कोशिश करते हैं और वो एथिकली भी नहीं है और उसकी मतलब वो, कितनी गंभीरता के साथ आपने इस उम्र में बताई वो चीज 28 की एज में तो वो आपकी लीडरशिप बताता है वो आपकी मेचोरिटी शो करता है और वो ये बताता है कि आप किस प्रकार अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा स्पेशली इतनी गहराई से आप चीजों को ले रहे हैं अगला प्रश्न है पवन शर्मा शिमला हिमाचल प्रदेश से हैं हाउ यू आर रिक्रूट सॉरी हाउ यू आर रिक्रूट पीपल ऑन सोशल फॉर रिक्रूटमेंट देखो मैंने इस चीज का आंसर शायद अभी दिया कि हम जो हैं वो दिखाते हैं लोगों को इससे लोग अट्रैक्ट होते हैं और जो बेसिक ऐप मैं यूज कर रहा हूं सर मैं बताना चाहूंगा कि मैं सोशल मीडिया ऐप है एक इंस्टाग्राम मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम यूथ ऑरियंटेड ऐप है और मेरा मोटिव है मैं यूथ को इंडिया के यूथ को आगे लेके चलू इंडिया के यूथ को साथ लेके ले चलो। तो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू ही ज्यादातर रिक्रूटमेंट करता हूँ आज के टाइम पे मेरे को लगभग फिफ्टी फाइव थाउजेंड लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो जो वो मेरे को लोग फॉलो करते हैं कई सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मेरे सिस्टम का पार्ट है कई सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे लाइफ से इंस्पायर होते हैं इसलिए फॉलो करते हैं मैंने भी कई बार ये चीज फेस करी है सर इंस्टाग्राम पे स्पेशली कई बार क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स को लगता है कि इनका भी लाइफस्टाइल फेक ही है और नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स से ज्यादा ऐसे लोगों को लगता है जो नेटवर्क मार्केटिंग में फेक लाइफस्टाइल देख देख के पक चुके उनको ये लगने लग गया कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है तो मेरा प्रोफाइल देख के भी लोगों को ये लगता है कि ये भी फ्रॉड होगा या ये भी फेक लाइफ शो कर रहा होगा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जैसा हूं मैंने ये भी स्टार्ट किया है कि मैं अपने दिन में दो चार अपनी बोलते हुए वीडियो डालता हूँ ताकि लोगों को पता लगे की मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ तो लोगों को मैं दिखाता हूं मैं ऐसा हूं मैं अपने आप को सोशल मीडिया पे शो ऑफ कर रहा हूं बाकी आप आप किसी भी ऐप पे पे बिजनेस कर कर सकते हो। है, है, on, कर सकते हो है है फेसबुक यू आर अवेलेबल ऑन वहां प्रोस्पेक्टिंग हो मैंने सोशल मीडिया पे डायरेक्ट मैसेज डाल डाल के प्रोस्पेक्टिंग करी है अगर आप किसी को अगर आपकी प्रोफाइल पे आप अपने आप को डिलीवर कर रहे हो अच्छे से और आप फिर किसी को मैसेज डाल रहे हो कि सर अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ पार्ट टाइम बिजनेस करने में तो आप मेरे को जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हो वी कैन इफ यू आर ओपन माइंडेड वी कैन टेक कन्वर्सेशन अहेड हम अपनी बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन वो आपके मैसेज का रिप्लाई तब करेगा जब वो आपकी प्रोफाइल से अट्रैक्ट होगा अगर आपने अपनी एग्जैक्ट वहां पे डिलीवर कर रखी है कि आप कैसे हो तो आपका आपकी प्रोफाइल से वो जरूर अट्रैक्ट होगा और वो जरूर आपके साथ एसोसिएट होगा लोग मेरे को जरूर ये सोच रहे होंगे सर आपके तो पचपन हजार फॉलोअर्स हैं इसलिए आप सोशल मीडिया से बिजनेस बिल्ड करते हो बट भाई जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब मेरे भी 500 फॉलोअर्स थे जब मैंने बिजनेस सोशल मीडिया से स्टार्ट किया था तब मैं कुछ नहीं था मैं भी अपने अकाउंट को धीरे धीरे करके बिल्ड किया अपने आप को मैंने शो अप करना स्टार्ट किया और सर एक चीज अच्छी है मैंने ना आज तक अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी पुरानी फोटोज को या पुराने डाटा को डिलीट नहीं किया मैं दुनिया को दिखाता हूँ कि मैं ऐसा था और आज मैं ऐसा हूँ ताकि लोगों को रियलिटी दिखे कि ये सच में ट्रांसफॉर्मेशन आई है कोई जोक या कोई झूठ नहीं चल रहा यहाँ पे कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आई मैं आप सबसे यही बोलना चाहूंगा अपने आपको एग्जैक्ट डिलीवर करो सोशल मीडिया पे मैसेज डालने से डरो मत कई लोग होते हैं सर जो शर्माते हैं कि हम मैसेज डालेंगे वो हमारे बारे में क्या सोचेगा सिद्धू पाजी एक बात बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग उस चीज को दिमाग से निकाल दो उस रोग को दिमाग से निकाल दो आप बाहर आओ लोगों को मैसेज करो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा रिप्लाई नहीं करेगा पचास लोगों को मैसेज डालोगे पांच लोग रिप्लाई करेंगे और सबसे बढ़िया सर मैसेज के लिए आज के टाइम पे जो प्लेटफॉर्म है वो है फेसबुक इंस्टाग्राम से भी बढ़िया क्योंकि फेसबुक पे इंफाइनाइट ऑडियंस है हर प्रकार की ऑडियंस है आप जिस भी कंपनी से बिलोंग कर सकते हो उस टाइप की ऑडियंस आपको फेसबुक पे मिलेगी फेसबुक पे ग्रो ग्रुप्स हैं दबा के ग्रुप्स हैं वहां पे आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो बस कोशिश करके होगी लोग दिक्कत की बात यह है लोग करते ही नहीं है लोग सोचते तो रहते हैं आज हम बता रहे हैं लोगों को आपने मैसेज डालना है अगर मेरे इस बताने से 500 लोग भी इस बात को सीरियसली ले लेते हैं और मैसेज डालते हैं तो मैं सोचूंगा कि हाँ, मैं, मैंने आज अच्छी नॉलेज डिलीवर करी बट अगर लोग उस चीज को इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है तो बस आप लोग आज से ही टारगेट ले लो कि रोज पांच मैसेज डालने या दस मैसेज डालने अगर आपने अपना सोशल मीडिया से बिजनेस बिल्ड करना है तो आपका बिजनेस पक्का बिल्ड होगा ही होगा थैंक यू वेरी मच दैट्स ग्रेट मच्छस कृष्णा अगर आपने अभी तक चैट सुरेंद्र सुरेंदर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें